दिल्ली के जहाँ कीरपुरी में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में धार्मिक आयोजन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है उन्होंने 4 मई तक पुलिस और प्रशासन के अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी है साथ ही माइक की आवाज को धार्मिक परिसरों तक ही सीमित करने को कहा है योगी ने सोमवार की रात पुलिस और प्रशासन के शासन से लेकर मंडल तक के आला अफसरों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उन्होंने कहा की धार्मिक कार्यक्रम पूजा पाठ तय स्थान पर ही हो सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न हो अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है माइक का उपयोग किया जा सकता है लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर न आए अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति ना दें साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के ना निकाली जाए अनुमति देने से पहले आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हो नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए हालिया दिनों में विभिन्न धर्मों के कई पर्वों का आयोजन हुआ ये सुखद है कि पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा प्रदेश में हर एक नागरिक की सुरक्षा हम सभी का प्राथमिक दायित्व है हमें अपने इस दायित्व के प्रति सदैव सतर्क रहना होगा योगी ने कहा की आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व त्योहार है रमजान का महीना चल रहा है ईद का त्यौहार और अक्षय तृतीया एक दिन हो सकता है इसलिए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा थाना अध्यक्ष से लेकर तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्म गुरुओं समाज के जनों के साथ संवाद बनाए सीओ और पुलिस कप्तान से लेकर जिलाधिकारी मंडलायुक्त सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की चार मई तक छुट्टी निरस्त रहेगी जो छुट्टी पर है अगले चौबीस घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटे सीएम कार्यालय इसकी मॉनिटरिंग करें सीएम ने कहा कि हर एक पर्व शांति से संपन्न हो इसके लिए स्थानीय जरूरतों के लिहाज से सभी जरूरी प्रयास किए जाए शरारत पूर्ण बयान जारी करने वाले माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए और ड्रोन का उपयोग कर स्थिति पर नजर रखे और साथ ही रोज शाम पुलिस बल फूड पेट्रोलिंग जरूर करे डेस्क रिपोर्ट डी न्यूज